नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे अपेंडिक्स में आने वाली सूजन की। हमारे अलग वीडियोस में हमने अपेंडिक्स की सूजन की, अपेंडिक्स के ऑपरेशन की बात की है, लेकिन अभी हम उस कंडीशन के बारे में बात करेंगे जब डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि इस समय अपेंडिक्स में स्वेलिंग या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता, हमें इसे डिले करना पड़ेगा। ऐसा उन कंडीशन में किया जाता है जब अपेंडिक्स की इन्फेक्शन या उसकी पेन स्टार्ट होने के कुछ दिनों या घंटों के अंदर ही ऑपरेशन ना किया गया हो और ये स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ गई हो या इसमें पस पड़ गई हो। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, अपेंडिक्स और उसके आसपास के जो रीजन है, यानी कि बड़ी आंत, सीकम या उसके साथ जो छोटी आंत है, वो सब उस जगह पे चिपकने लगते हैं उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसकी इन्फेक्शन जो है वो बाकी पेट में ना फैले। लेकिन अगर टाइम रहते ही ऑपरेशन नहीं होगा तो ये इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन कई बार इतनी बढ़ जाती है कि ये सब बहुत बुरी तरीके से जुड़ जाते हैं, जिसे हम अपेंडिकुलर लंप के नाम से जानते हैं। लंप यानी वहाँ पर एक गांठ बन गई है जिसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, ओमेंटम, अपेंडिक्स और जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सभी बुरी तरह से जुड़ जाते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन में हम ऑपरेशन करना चाहें तो कई बार इससे नुकसान हो सकता है। छोटी या बड़ी आंत में इंजरी हो सकती है, वहां से लीकेज हो सकती है और एक सिंपल ऑपरेशन एक मेजर ऑपरेशन में बदल सकता है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, आपको कुछ दवाइयाँ दी जाएँ, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, सपोर्टिव आईवी फ्लूइड्स, ताकि ये धीरे धीरे स्वेलिंग और इन्फेक्शन जो है ये कम होता जाए और आपको कुछ टाइम दिया जाए कि ये सब जो स्वेलिंग बन गई है वो ठीक हो जाए और ये ऑपरेशन जो है थोड़ा टाल दिया जाए। जो ये टालना है इसका टाइम 1 से लेकर 2 महीने तक हो सकता है। यूजुअली हम 1.5 महीने के अराउंड वेट करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ पेन। यानी कि अगर पेन आज से 10 दिन पहले स्टार्ट हुई है तो प्रोबेबली आज से 35 दिन के बाद टाइम इनफ होगा, क्योंकि तब तक 1.5 महीना निकल गया होगा कि हम ये सर्जरी कर पाए। ऐसा करने से आपका ऑपरेशन का रिस्क कम होगा, आप बेटर रिजल्ट पा पाएंगे और इसके कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो कम रहेगी। सो वी होप कि ये वीडियो देखकर आपको आइडिया लगा होगा कि अपेंडिक्स में अगर स्वेलिंग आ जाए तो क्या करना चाहिए और क्यों आपके डॉक्टर्स इसके ऑपरेशन को डिले करना चाहते हैं। एंड वी ऑल्सो होप कि आपको पता चला होगा कि जब भी अपेंडिक्स का शक हो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कि इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना है तो उसे जल्दी करवाना चाहिए। डिले करने में कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती हैं, आपको लंबा वेट करना पड़ सकता है और एक सिंपल सा ऑपरेशन एक मेजर ऑपरेशन में तब्दील हो सकता है। थैंक यू।